जनपद शामली के थाना भवन के गांव हिंड में मावे की भट्टी में अचानक आग लग गई, जिसमें गांव निवासी दिव्यांग युवक तैमूर झुलस गया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। दरअसल ये घटना जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र के गांव हिंड की है, जहां हिंड निवासी कयूम ने थाने पर तहरीर देते हुए बताया कि गाँव के ही साजिद मकसूद मुसरा जिलेदार ताहिर व कुर्बान सात लोग मिलकर गाँव में अवैध रूप से मावे की भट्टी चलाते हैं, जो गाँव गाँव अवैध रूप से मावा बेचकर कारोबार करते हैं। गाँव में कच्ची भट्टी लगाई गई, जिसमें उक्त लोग मेरे बेटे दिव्यांग तैमूर को कच्ची भट्टी में लकड़ी झोंकने को लेकर बहला फुसला कर ले गए। गांव वालों ने उन्हें सूचना दी कि भट्टी में आग लगने पर उसका बेटा तैमूर बुरी तरह से झुलस गया और आरोपी उसके बेटे को लेकर गायब हो गए। ना तो उसे पता है कि उसका बेटा किस हाल में है और कहाँ है। पीड़ित ने सात लोगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपको? कयूम है जी। क्या हुआ थाने आए हो? जी मेरा लड़का ये कुर्बान था जी, मुझे पता भी नहीं, कुर्बान मुसरा जो दिया है, सात आदमी है जी, सात आदमी ये मावे की भट्टी चला रहे और अवैध भट्टी है जी। अब उसे पकड़ के ले गए, मुझे पता भी नहीं जी, अब चल झोंकेंगे और अपाज बच्चा मेरा जी, और उसमें आग लग गई और आग लगने पे जी सब छोड़ छोड़ कर भाग गए, मेरा बच्चा सारा जल गया। मुझे ये भी पता नहीं जी कहाँ ले गए उसे, कहाँ नहीं और कहाँ है ना, मुझे कुछ बता रही जी। कौन ले गया? मुसरा ले गया जी, और एक पता नहीं कौन कौन होंगे। किस समय तो वहाँ था नहीं, किस समय ये घटना है? ये 2 बजे के बाद की है। कौन से गांव की घटना है? हिंड की है जी। आपको किस समय सूचना मिली? जी मुझे पड़ोसियों से पता चला। किस टाइम? करीबन 4-5 बजे जी। तो अभी तक आपकी आपके बच्चे से कोई बात नहीं हुई? ना मेरी बात हुई जी, ना मुझे दिखाया गया कहाँ है कहाँ नहीं जी। बराबर के जो पड़ोसी हैं वे बता रहे, जिन्होंने वो देखा कि वो बचना मुश्किल है।